दोस्तों जिंदगी में फेल होना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, किसी को भी खराब लगता है जब वो फेल हो जाता है। लेकिन फेल होते क्यों हैं लोग, इस बात की सबसे बड़ी वजह आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। लोग कुछ भी काम करना शुरू करते हैं उसको पहले तो बड़े जोश में करते हैं। जब कोई भी काम करना उन्होंने स्टार्ट किया तो वो बड़ा एक्साइटेड फील करते हैं, लेकिन जैसे 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 वक्त बीतता जाता है उनका एक्साइटमेंट कम होता चला जाता है, वो उसमें इनडिसिप्लिन करने लगते हैं, वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। उस काम को सीखने के या सफल होने के उसमें जो भी स्टेप्स हैं उन्हें प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, और शायद मुझे लगता है यही वजह है कि लोग लाइफ में किसी भी चीज में अपने आप को फेल मान लेते हैं, जबकि फेल होना कोई चीज होती ही नहीं। या तो आप किसी भी चीज को करके अनुभव हासिल करते हैं या तो आप उसमें सफल होते हैं। अब समझते हैं जरा, बचपन से आपको लिखना नहीं आता था, अब जब भी आपने लिखने की कोशिश की कुछ इरेज किया, कुछ फिर से राइट किया, बार बार लिखते 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 आपकी कंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा थी कि आप फाइनली लिखना सीख गए और आप उसमें सफल हो गए। ठीक ऐसे ही यदि आपने कोई स्पोर्ट्स सीखने की कोशिश की, जैसे आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो आप क्रिकेट में आउट भी हो जाते थे, कई बार आपसे बॉलिंग अच्छी नहीं होती थी या फिर कैच छूट जाता था, लेकिन आपने ना तो अपने आप को कभी फेल माना और ना ही कभी क्रिकेट खेलना छोड़ा, और फाइनली यू बिकम अ सक्सेसफुल बैट्समैन, बॉलर और ए क्रिकेटर, राइट। ठीक इसी तरीके से साइकिल चलाना, बड़े बड़े अच्छे साइकिल चलाने वाले लोग अक्सर चोट खा जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो फेल हो गए। ठीक इसी तरीके से फेसबुक पर आप यदि ट्राई कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे ट्राई कर रहे हो, कोई कोई रील आपकी वायरल हो जाती है, कोई कोई कंटेंट लोगों को बहुत पसंद आता है, किसी किसी कंटेंट पे बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं, व्यूज आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई रील चलती ही नहीं। YouTube वीडियोस का भी ऐसा ही है। तो आप फेल तभी होते हैं जब आप मान लेते हैं कि मैं फेल हो गया हूं, अदरवाइज कंसिस्टेंटली किसी भी चीज को यदि आप करते रहेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। हाँ, किसी चीज में 2 महीने में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें लॉन्ग टर्म में ही सक्सेसफुल होती हैं। अब यदि हम किसी क्रिकेटर की बात करें या नीरज चोपड़ा की बात करें, जेवलिन थ्रो में आज वो वर्ल्ड फेमस हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें सक्सेसफुल होने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितना कंसिस्टेंटली काम किया होगा। अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स को भी मैं यही बोलता हूं कि आप कंसिस्टेंटली कोशिश करते रहिए, लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, बोलकर प्रैक्टिस कीजिए, आप सुनकर प्रैक्टिस कीजिए, थोड़े थोड़े छोटे छोटे डायलॉग्स किसी ना किसी के साथ में बोलने की कोशिश कीजिए, एंड वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। इन माय करियर ऑफ ऑलमोस्ट 22 ईयर्स, पिछले 22 साल के करियर में मैंने ऐसे ऐसे लोगों को इंग्लिश बोलते हुए देखा है जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते थे, बट दे वर कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट थे, वो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे, रेगुलर ट्राई करते रहे, रेगुलर सीखते आते रहे, और एज ए रिजल्ट नाउ दे आर सक्सेसफुल इन स्पीकिंग इंग्लिश। तो किसी भी चीज में सफल होने का कोई और फॉर्मूला है नहीं, आप कंसिस्टेंटली उसे करते रहें, एंड ऑफकोर्स सूनर और लेटर यू विल बी सक्सेसफुल। तो सफलता का सिर्फ एक ही राज है, कंसिस्टेंसी, किसी भी चीज में, चाहे आप एक्टिंग के करियर में जाना चाहते हैं, सिंगिंग के करियर में जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, आप स्टूडेंट्स लीडर बनना चाहते हैं, आप कुछ भी करेंगे तो कंसिस्टेंसी प्लेज अ वेरी बिग रोल इन योर सक्सेस। तो कंसिस्टेंटली YouTube वीडियोस को देखते रहिए और मेरे साथ यूं ही अंग्रेजी बोलना भी साथ साथ सीखते रहिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।